उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार अमेरिका प्रवासी और भारतीय और अमेरिका के लोगों के द्वारा धर्म नगरी ऋषिकेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि आने वाले 15 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में योग के द्वारा जहां आत्मविश्वास असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने के लिए माध्यम बनाया जा रहा है, वहीं योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पिछले 57 वर्षों से अमेरिका में कार्य कर रहे अमित गुरुजी ने बताया कि हमने इस योग के द्वारा आज इतना जान लिया कि इसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं, साथ ही अपने अंदर छिपी हुई कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ असाध्य रोगों को भी हम योग के द्वारा दूर कर सकते हैं। अमेरिका में निवास कर रही भारतीय प्रवासी कामिनी देसाई ने बताया कि वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में आकर काफी उत्साहित हैं। यहाँ पर जो देवभूमि की मिट्टी की मिठास है, उसमें योग करने का अनुभव अपने आप में अनूठा है। और निश्चित रूप से भारत में योग के माध्यम से बाबा रामदेव ने पूरे विश्व को योग में बांध दिया है। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। कृपालु और योगा आश्रम का हमारे अमेरिका में है, वो अमृत योगा इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसका प्रोग्राम यहाँ किया है। और ये अमेरिका में हमारे हजारों शिष्य हैं, हम वहाँ 1960 से 57 ईयर से सिखाते हैं। और हमने अमेरिका में सबसे बड़ा योगा आश्रम बनाया। And we have mastered science, we've mastered computers, we've mastered medicine, but we also have the technology and the information of how to go within. And I'm so proud to help reawaken these teachings back in India, the birthplace of this ancient inner information technology. संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।